और भाई आपको मौला जट की पड़ी है वो मूवी की पड़ी है, वो हमजा कुकड़ी की मूवी देखें आप, मजे की मूवी तो मजे की लग रही है, ऐसी मूवीज बननी चाहिए, मतलब इंडिया तो बहुत बनाता है। वैसे भी हमारे कल्चर का एक मेजर हिस्सा, इन पाकिस्तान पे काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंडिपेंडेंट मार्च के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ैर ताहिर। नाज़रीन, वो लम्हा वो वक्त आ चुका है जिसका था लोगों को इंतज़ार। कल द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ होने जा रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 100 करोड़ का बिज़नेस करेगी। क्या ये 100 करोड़ का बिज़नेस करेगी और लोग इसको देखने के लिए जा रहे हैं या नहीं, ये हम राय लेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर हुसैन। सर आप क्या कहेंगे, कल मूवी रिलीज़ होने जा रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओ भाई आपको मौला जट की पड़ी है वो मूवी की पड़ी है, वो हमजा कुकड़ी की मूवी देखें आप, वो अदालत से बरी हो गया है, पता है आपको? ये असल मौला जट ये लोग हैं, नहीं समझ आई? जितने बड़े चोर उतना बड़ा मौला जाट, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा अदालतों के अंदर से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलता है। आप इसके बारे में बात करें, नहीं समझ आई? मूवियाँ तो चलती रहती, असल मूवी यही है। आप देखें उसका बाप वज़ीर आज़म बना सिर्फ अपने आप को बरी कराने के लिए, और हमजा कुकड़ी आज बरी हो गया, मरियम रिवाज भी निकल गई, समझ आ गई बात की? तो आप जिन्होंने मुल्क को लूटा, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा उसको रिलीफ मिल रहा है, अदालतें दे रही हैं, यही अदालतों ने, इन्हीं अदालतों ने केस किए थे और इन्हीं अदालतों ने हमजा कुकड़ी को बरी कर दिया है। तो आप क्या कहते हैं ये मूवीज़ का सियासत के साथ क्या मतलब? मूवी का सियासत के साथ ये तल्ला कि हमजा कुकड़ी के ऊपर फिल्म बनाएं, शहबाज शरीफ के ऊपर फिल्म बनाएं, नवाज शरीफ के ऊपर फिल्म बनाएं, इमरान खान के ऊपर फिल्म बनाएं, कितने यू टर्न लिए, क्या क्या किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने किया है कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। ये मूवी बनाएं कि हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हमारे अदारे जिन्होंने इसको बरी किया वो भी दुश्मन है, वो भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हो? पहले पाकिस्तान आप लोगों ने 1971 में 2 टुकड़े किया है, ये मूवी बनाएं, इसके ऊपर काम करें। ये मूवी क्यों नहीं बनाते? किस किसने इसके इसके अंदर हिस्सा लिया, अपना अपना हिस्सा डाला पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में, इसके ऊपर क्यों नहीं आप मूवी बनाते? ये मौला जट फलाना फलाना की क्या है, ये बात समझिए। हाँ, ये बहुत बहुत ही अहम पॉइंट जो अंकल हमें दे कर गए हैं कि इस महंगाई के दौर में लोग इतने तंग हैं कि लोग मूवीज़ को छोड़ के वो सियासत पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब बात की है उन्होंने। कल मूवी रिलीज़ होने जा रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो वो आपने देखने जा रहे हैं? पैसे ही नहीं है, देखेंगे कहाँ से। तो क्या कहते हैं ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर मतलब पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मज़े की मूवी तो मज़े की लग रही है, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, मतलब इंडिया तो बहुत बनाता है हिस्टोरिकल मूवीज़, और आई थिंक हमारे उससे भी बननी चाहिए। टर्की ने तो बनाई थी वो, उस पर क्या सीज़न बनाया था आई थिंक, तो पाकिस्तान में भी हमारे एक लेजेंड है मौला जट, एक मिथ है, तो आई थिंक उस पर बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बन चाहिए। प्रोडक्शन भी अच्छी लग रही है इसकी, मतलब आप इकोनॉमिक्स के ऊपर मतलब कोई इफेक्ट आएगा मूवीज़ की वजह से? बिल्कुल, मैं इंडिया की बॉलीवुड जो है उस वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया की इकोनॉमी में, आई थिंक हमारी भी बन सकती है अगर हम मूवीज़ अच्छी बनाएं, प्रोडक्शन अच्छी हो तो क्यों नहीं लोग देखने जाएंगे। यार मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान इंडस्ट्री ने बड़ी फिट मूवी बनाई है, फवाद खान और मायरा खान को एक मूवी में कर दिया ना, बस ये बहुत फिट कॉम्बिनेशन बना दिया उन्होंने, तो मैं ऑब्वियसली देखने जाऊँगा, अभी इन दोनों को नहीं देखने जाऊँगा तो फिर क्या देखने जाऊँगा। जी मैं ज़रूर जाऊंगा। ये देखें जी, पाकिस्तान की मूवी, पाकिस्तान में ये मूवी बनी है और एक नया आप देखें कि नया टैलेंट है और नई चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हम बहुत सारी मूवीज़ इंडियन तो देखते हैं, हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं करते? बात है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो या अदाकारी या किसी से भी रिलेटेड, अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर काम करना चाहिए। मेन ये है कि जब तक हम अपनी पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान पे काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि अभी आपने कहा फिल्म तो हम ज़रूर जाएंगे देखेंगे और पाकिस्तान में जाहरी बात है एक नया टैलेंट देखेंगे, नए लोग देखेंगे, नए फेस देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, तो अच्छी बात है, देखने चाहिए, सब दोस्तों के लिए एक सब दोस्तों को साथ लेके जाएंगे, अच्छा फैक्ट होगा। बहुत स्टोरियाँ मैंने रिव्यू वगैरह देखे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी लगी आपको? ट्रेलर देखा है इसका? ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग एज अ ग्रुप आए हुए हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, तो एक ग्रुप मेंबर ने सजेस्ट किया था, लेकिन हमें ये पता लगा है कि उसके शोज़ ऑलरेडी प्री बुक हुए हुए हैं और टिकट्स वगैरह मिलने मुश्किल हैं, तो देखते हैं अगर मिल गए तो शायद चले जाएं, वरना फिर जब वापस इस्लामाबाद जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे। क्या आपको लगता है ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है?
मेरे ख़्याल में तो फिल्म इंडस्ट्री वैसे भी हमारे कल्चर का एक मेजर हिस्सा है, तो हम लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली कोविड के टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट हुई है, लोगों को अलाउ नहीं था सिनेमाज विज़िट करना, तो अब थैंकफुली वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो गई हैं, तो उसके बाद मेरे ख़्याल में लोगों को ज़रूर जाना चाहिए फ़िल्म देखने के लिए। ये एक अच्छी एक्टिविटी है, वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास होते हैं जो चीज़ें आप फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकें, तो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट। एक बहुत अरसा पहले एक मूवी आई थी मुला जाट, वो आपने देखी थी? नहीं जी, वो नहीं देखी। देखिए नाज़रीन, हमने लोगों की राय जानी जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक व्यू आया है और ये पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रिवाइवल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडिया के मुकाबले में बहुत कम बनी है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान इकोनॉमी को बहुत इफ़ेक्ट होगा इसका, और उम्मीद है कि ये मूवी अपना टारगेट अचीव करेगी। तो आप भी ज़रूर देखने जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मोहम्मद उज़ैर ताहिर।